रायगढ़ तहसील कोर्ट में शुक्रवार को हुई घटना के बाद वकीलों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनके धरना स्थल पर पूर्व जज प्रभाकर जाएगी और हाईकोर्ट के वकील अंसारी जी हैं और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो तहसील कार्यालय में जिस तरह की घटना हुई थी, इसके बाद वकीलों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला हुआ है, उसके खिलाफ एक PIL भी दायर की गई है, जैसा कि अभी एक वक्ता के द्वारा यहाँ बताया गया है। तो आगे ये लड़ाई लंबी जाने की पूरी संभावना है। अधिवक्ता साथी हमारे पास दोहरी जिम्मेदारी है, एक घर परिवार की जिम्मेदारी है, एक समाज को सिस्टम को सुधार करने की जिम्मेदारी है, तीसरा कोई व्यक्ति सिस्टम को नहीं सुधार सकता, क्योंकि वही रेवेन्यू अधिकारी, वही पुलिस, वही सरकारी अधिकारी वो सिस्टम, गलत सिस्टम से लाभ ले रहे हैं। अब पीड़ा किसको हो रही है? अधिवक्ता को हो रही है, जिसके लिए न्याय मांगने जा रहे हैं उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़ी दुखदायी सिस्टम नहीं हो सकती। आज देखिए पूरा जितने भी विधि बनकर जा रहे हैं अपराधी और असंवैधानिक बनते हैं। आप इसमें से बहुत सारे MBBS का वकालत करते होंगे, जिस व्यक्ति को आज न्यायालय सजा दे रही है, क्या वो व्यक्ति उस संपत्ति के कोई भागीदारी है, क्या उसका स्वामित्व रखता है? बिल्कुल नहीं रखता। रोजी रोटी के लिए डायरी करते हैं, कंडक्टिंग करते हैं, उसको हम एक वर्ष होकर सजा दे रहे हैं और न्यायालय मूक दर्शक बनकर सजा दे रही है, हम गाली बजा रहे हैं, टोटल एक गवाह को हम सजा दे रहे हैं, तो न्याय आप किसके लिए पाएंगे? और जहाँ तक रेवेन्यू न्यायालय का अधिकारी है या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, वो निश्चित रूप से प्रशासन का काम करे, न्याय निर्णय लेने का निष्कर्ष उसको न तो संविधान दिया है, न नैतिक रूप से दायी है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके निष्कर्ष लेने की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो भ्रष्टाचार करेगा तो इस सिस्टम को भी उसको दूर करना आएगा। कोई भी राजस्व न्यायालय का अधिकारी किसी भी बिंदु पर जब न्याय निर्णय की बारी आए तो निष्कर्ष न ले, वो किसी आदेश का पालन करे, सरकार का आदेश का पालन करे या न्यायालय का आदेश पालन करे, तभी व्यवस्था सुधरेगा। और ये हमको करना ही करना है, नहीं तो ये सिस्टम में हम कहीं सब तरह के मर जाएंगे। इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। और दूसरी कितनी अन्यायकारी व्यवस्था है, एक छोटा सा फिर उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जिला बदर की कार्यवाही नेताओं के और अधिकारियों का सड़क से किसी अधिकतर पत्रकारों के खिलाफ करते हैं, जो न्याय बात करते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ करते हैं। उसकी शुरुआत कौन करता है? पुलिस अधिकारी करते हैं, जिले का SP, और उसकी निवेदन करते हैं कहें कलेक्टर के, ये दोनों प्रशासन के अधिकारी हो गए। तो जो कलेक्टर के जो कोई आदेश करता है तो उसकी अपील कोई न्यायिक अधिकारी या हाईकोर्ट में नहीं जाती है, जो पुलिस का बड़ा अधिकारी है, गृह सचिव, जो SP का बड़ा भाई है, वहाँ अपील जाता है। एक भाई पुलिस का SP आवेदन दे रहा है तो बड़ा भाई अपील सुन रहा है, ये कौन सा न्यायिक व्यवस्था है भाई? ऐसी ऐसी तमाम गंभीर अन्यायकारी कानून हमारे यहाँ बन चुके हैं और हम सब चुपचाप मौन। तो इस सभी बिंदुओं को रखना है, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे और समाज सुरक्षित रहेगा। और वकील लोग हमेशा सामाजिक इंजीनियर हैं, अपनी भूमिका को हमेशा गंभीरता से इस चीज को हल करना होगा, तभी हम लोग न्यायपूर्ण व्यवस्था बना पाएंगे, दूसरा कोई भी सिस्टम नहीं बना पाएंगे। विश्व की पूरी इतिहास को देख लीजिए, हर जगह वकील की आवश्यकता है और हर बड़े काम वकील से किया गया, चाहे भारत की आज़ादी का आंदोलन हो या अमेरिका के आधुनिक विश्व की जो सर्वोच्च स्थान पर हो, हर देश में वकीलों की भूमिका है। यदि हमारी भूमिका को हम पीछे हटे तो निश्चित रूप से हमको, हमारी अगली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को अन्याय के और अपराधियों के बीच में ही सुरक्षित छोड़ना पड़ेगा। वो चाहे तो हमारे बच्चों को जिंदा रखेंगे, चाहे तो हमारे बच्चों को मारेंगे। और देखो कितनी गंभीर व्यवस्था है, वही जनक प्रसाद पाठक एक बलात्कारी को ST/ST एक्ट लगा था, उसको अग्रिम जमानत दिया जा रहा है बिना प्रावधान से, और हमारे वकील साथी को लोगों को अग्रिम जमानत नहीं दिया, रेगुलर जमानत नहीं दिया। इससे बड़ी न्याय का अधिकारी की दुर्भावना और दुराग्रह नहीं कह सकते, तो बहुत खतरनाक बात है। और ये जमानत आवेदन जो खारिज किया गया है, कोई जितेंद्र जैन साहब है क्या? हाँ, जितेंद्र जैन साहब एकदम भ्रष्ट करप्ट आदमी है। मेरे विरुद्ध जब मैं पद में था तो बिना हाईकोर्ट की अनुमति से मेरे विरुद्ध क्रिमिनल रिविजन भी पंजीबद्ध किया था, ये शक्ति में था, इतने कमीना आदमी है। जैसे तहसील न्यायालय में क्रांति हुई थी, उसके खिलाफ क्रांति हुई थी।
छोटी मोटी बात नहीं है भाई। आप न्याय मांगने जा रहे हो, न्याय नहीं दोगे तो क्रांति कैसे नहीं करोगे। भगत सिंह का पागल था, सुभाष चंद्र बोस पागल था, पागल थे क्या ये लोग? आज उसको हम पूछ रहे हैं, हमारे अधिवक्ता साथी न्याय जो सफलता में हाथ उठा दिए, जो दोषी हो गए और रेगुलर जमानत भी नहीं मिल रहा, इससे बड़ी दुर्भावना और दुर्घटना क्या हो सकती है? निश्चित रूप से हम महोदय, इसलिए आपको हाथ पैर जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए और रेवेन्यू अधिकारी से टोटल न्याय कार्य छीनिए और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था बनाइए।